सही वर्ल्ड वॉर वन का पार्ट थ्री बता रहा हूँ, तो भाई इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी एक्यूरेट वो मानी जाती है 28 जुलाई 1914 और एंड हुई थी 11 नवंबर 1918, यानी 4 साल 4 महीने चले। कहा जाता है कि 50 मिलियन से 100 मिलियन के दरमियान लोग थे, यानी 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान के लोग थे, जिसमें सिविलियन भी थे मिलिट्री वाले भी थे। अब इशू ये था कि ब्रिटेन को फ़ायदा क्या हुआ, हालांकि ब्रिटेन की अपनी फ़ौज जो थी शुरू में 12 लाख थी, बाद में बढ़ते बढ़ते इन्होंने 18 लाख कर ली थी, जिनमें 13 लाख इंडियन आर्मी थी, 5 लाख सिर्फ ब्रिटिश थे। जर्मनी की अपनी फ़ौज खाली 13 लाख थी, ऑस्ट्रो हंगरी ने भी तकरीबन 7 लाख फौज उतारी थी, 3 लाख ऑटोमन एम्पायर ने, कुल मिला के सेंट्रल पावर की 25 लाख फौज थी। जबकि इनको एडवांटेज क्या था इत्तेहादियों को कि इनकी फौज बहुत बड़ी हो गई थी 43। ब्रिटेन की शमूलियत तब हुई जब बेल्जियम पे जर्मनी ने हमला किया तो ब्रिटेन भी जंग में कूद पड़ा, वैसे तो बहाना था ब्रिटेन को कूदना ही था, और इन्होंने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया। अब ये इत्तेहादियों की ताकत ज़्यादा हो गई, शुरू में तो जर्मनी ने बड़ा मारा था, फ्रांस आधे से ज़्यादा फतह कर लिया था, रशिया को भी पीछे हटने में मजबूर कर दिया था, जापान भी ब्रिटेन के हिमायत में कूद पड़ा था, और जापान ने हमला किया था जो जर्मनी की पैसिफिक ओशन में कॉलोनियाँ थी उनको, और इटली ने भी ऑटोमन एम्पायर पे हमले शुरू कर दिए थे लीबिया पे। और ब्रिटेन ने एक काम और किया था कि जर्मनी की जो अफ्रीकन कॉलोनीज थी उन पे हमला किया, क्योंकि अफ्रीका में बड़ी मादनियात थी, इसने कहा कि जर्मनी से सबसे पहले